हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पत्ता गोभी सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू लिया है, उसे कट कर लिया है। उसके बाद मैंने अदरक लिया, प्याज लिया है और मिर्ची। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और गाजर, इन सबको अच्छे से कट कर लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई लेने के बाद हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही सरसों का तेल लाल हो जाएगा तो उसमें हम जीरा डालेंगे, कलौजी डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्याज डालेंगे और अदरक, हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से डाल देंगे। जब ये लाल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया। आलू को मैंने अच्छे से छील कर कट करके ले लिया था लंबे लंबे में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। फिर लास्ट में हम पत्ता गोभी डालेंगे। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सब्जी मसाला डालेंगे और फिर अब हम इसे ढक देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और फिर अब इसे ढक ढक के हम पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये ढक के पक चुका है। ऐसे धीमे धीमे जब तक पकाते रहेंगे जब तक ये पक ना जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पक गया है। देखिए आलू मेरा दम दब रहा है अच्छे तरीके से। यही होता है कि मतलब पक गया है। मैंने थोड़ी देर के लिए और 5 मिनट के लिए इधर ढक के रख दिया था। बस दोस्तों, हमारी ये रेडी हो गया। हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी दिख रहा है खाने में। बस दोस्तों, इसे आप खाइए किसी भी रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ। प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।